जी ऋषि जी जैसे इतने दिग्गज कलाकारों से आपकी तुलना की जाती है आपकी केमिस्ट्री की, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है या कुछ घबराहट होती है कि सबसे पहला रिएक्शन आई थिंक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दे आर द ग्रेट्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, बट आई थिंक हाँ ऑफ कोर्स एक जिम्मेदारी है क्योंकि हमारी सिर्फ दो फिल्में बाहर आई हैं, ये तीसरी है, आगे जाकर अच्छा काम करना है, अगर अच्छा काम करेंगे अच्छी एक्टिंग करेंगे तभी जाकर यू नो वो उस टाइटल का हकदार हम मानेंगे, बट अभी तो एज समबडी हु इज यू नो रिलेटिवली न्यू इन द इंडस्ट्री ऑन फेस वैल्यू बहुत अच्छा लगता है, बट आई डोंट थिंक वी एक्सेप्ट इट, इट्स टू मच टू एक्सेप्ट। आप दोनों को किसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है ऑन स्क्रीन? आप दोनों को कौन दूसरे कलाकारों की ऑन स्क्रीन? शाहरुख एंड काजल, दे आर ऑल टाइम फेवरेट्स। आई थिंक हम डिस्कस करते रहते हैं कि यू नो हाउ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हैज इंपैक्टेड आवर लाइव्स, हम एक्टर बने हैं बिकॉज ऑफ हमने क्या देखा था उस फिल्म में। देयर सो मेनी यू नो देयर इज यू नो नेम सम, राज कपूर एंड नरगिस ऑफ कोर्स, अमिताभ बच्चन रेखा, सलमान खान ऐश्वर्या राय, ऋषि कपूर नीतू सिंह, धर्मेंद्र हेमा मालिनी, जितेंद्र जया प्रधा, शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय, आमिर खान जूही चावला, देन नेम सर, दिस नॉट अ टेस्ट ऑफ योर मेमोरी, इट्स ओके, राज कपूर स्मिता पाटिल, ऋतिक रोशन करीना कपूर, गोविंदा करिश्मा कपूर, एक और होगा श्रीदेवी अनिल कपूर, अक्षय कुमार कटरीना कैफ, रणवीर सिंह दीपिका पाडुकोन, रणबीर कपूर कटरीना कैफ, और कौन है, सिद्धार्थ मल्होत्रा श्रद्धा कपूर, वरुण धवन आलिया भट्ट, और कौन कौन बाकी है, रणबीर। अक्सर ऐसा कहा जाता है इंडस्ट्री में कि शाहरुख खान कहते हैं कि दीपिका उनके लिए लकी चाम है, आपकी भी फिल्में जितनी की हैं सारी सुपर डुपर हिट रही हैं, ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस पे कामयाब फिल्म हो, क्या आपके लिए दीपिका लकी चाम है? यू रिमेम्बर्ड योर क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन, अरे जल्दी एक च्यवनप्राश का चम्मच खा लिया। नहीं यू नो मेरा यही मानना है कि आई थिंक जब आप किसी एक्टर को किसी कलाकार को लकी बोलते हो तो आई थिंक वो आप उनके काम से थोड़ा कुछ निकालते हो। दीपिका जो कुछ है अपने हार्ड वर्क की बदौलत से, मेहनत की बदौलत से है, आई थिंक सो आई वुडंट कॉल हर लकी।